subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि ये इस महीने की शुरुआत हमने फ्लैट नेगेटिव से की है। अभी यहाँ जो है, तो आप चार्ट पे देखोगे तो 20 मंथ का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लाइन हुआ। यहाँ साइंस दिख रहा है मार्केट कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है तो 15,754 पे बंद हुआ है, लगभग 26 पॉइंट नीचे। यहाँ अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है जो 100 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड, और यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अभी जो है तो मार्केट ऊपर की दिशा तय कर रहा है। तो यहाँ एक बाउंस बैक आ सकता है, जो बाउंस बैक जो है तो उसके टारगेट हो सकते हैं 16,400 से लेकर 16,600 इन मीडियम टर्म। ये जो टारगेट है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ सकते हैं। मीडियम टर्म मतलब कुछ हफ्तों से लेकर एक दो महीने इसको लग सकते हैं ये टारगेट अचीव होने में। और नीचे जो सपोर्ट है वो 15,400 का है, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको जो है तो 14,700 और 13,500 के टारगेट ओपन होते दिखेंगे मार्केट के लिए। करंटली मार्केट बाउंस बैक की साइंस दिखा रहा है और यहाँ ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ हमने 200 डेज के एवरेज के अराउंड रेजिस्टेंस लिया था, और वहाँ से जो है तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। वहाँ से अभी बाउंस बैक चल रहा है, और ये जो है तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है और फिर से मार्केट जो है तो ये जो 200 डेज का एवरेज इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि अभी सिचुएटेड अराउंड 16,600 के अराउंड। तो वहाँ तक आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। अभी जो इमीडिएट टारगेट रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा 15,915 का। उसके ऊपर जाते हैं तो 16,200। तो अगले वीक के लिए जो टारगेट आप लेकर चल सकते हो वो रहेंगे 15,915 और उसके बाद में 16,200। नीचे जो सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट है 15,500 का और उसके बाद में 15,300 का। तो इन सपोर्ट के अराउंड आपको निफ्टी बाय करना है, बाइंग का व्यू रखना है। टारगेट 15,915, उसके बाद में 16,200। तो ये दो टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो अगले वीक के लिए। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनको डिप्स पे जो है तो 15,500 का जो कॉल ऑप्शन है और 16,200 का जो कॉल ऑप्शन है अगस्त सीरीज का, उसमें एक्युमुलेशन करना है। आपको उसमें अच्छे खासे गेन दिखाई दे सकते हैं, मगर यहाँ आपको डिप्स पे बाय करना है। तो अगले वीक के लिए निफ्टी का टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 15,915, वो पार होता है तो 16,200 का टारगेट आपको निफ्टी दिखा सकता है। और यहाँ आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 15,500 का जो कॉल ऑप्शन है, इन द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट रैली होते हैं तो आपको उसमें फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिल सकेंगे। वो थोड़ा सा महंगा रहेगा मगर आपको उसमें गेंस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और जो अगर आपको आउट ऑफ द मनी लेना है तो अगस्त का जो 16,200 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करना है, उसमें डिप्स पे एक्युमुलेट करना है। टारगेट 15,915 और 16,200 के अराउंड मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है और वहाँ से एक फिर से एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है मार्केट पे। अगर 16,200 क्रॉस होता है तो आपको एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेंगी जो मार्केट को लेकर जाएगी 16,600 की तरफ, और उसके भी आने की संभावना लगभग 70-80% है। मगर उसके लिए 16,200 क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है चार्ट पे। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो श्योर शॉर्ट कॉल पे, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।